Hi, guys, good evening and welcome to EduTap. So, friends, as you all know, that SEBI has notified नोटिफिकेशन ऑफ से बी ग्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन विच कैन बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे राइट सो यू हैव सफिशेंट टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर बिगनर देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन प्रीपेयर सो द थिंग इसकी अभी आपके पास टाइम है सिंस सेबीज नोटिफाइड द एडवांस इंटीमेशन अभी वो एक्चुअल मेन नोटिफिकेशन नहीं आया है एडवांस इंटीमेशन दिया है और एडवांस इंटीमेशन के साथ ही आपके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी आ गई है कि आपको लगभग एक महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया टू प्रिपेयर फॉर दिस

तो जो लोग ऐसे हैं जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बट दे डू नॉट नो कहा से स्टार्ट करें कैसे स्टार्ट करें उन्हें करना तो है बट उनको समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन लेस है राइट और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उनको बूस्ट चाहिए कि बेसिकली मैं अब अपना ब्रशअप कर लू सारे कंसेप्ट चीजों को रिवाइज कर लू सो गाइज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस फॉर से बी ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स और इन लाइव क्लासेस में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे दैट आई विल टेल यू लिटिल लेटर बट उससे पहले डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल

ओके सो इफ आई टेल यू कि हम यहां पे क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर से बी ग्रेड ये बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रीजन बींग इसका नोटिफिकेशन रेगुलर नहीं है राइट सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी वैकेंसीज भी है नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक का ट्रेंड यह कि रेगुलर एग्जाम नहीं है राइट सो द थिंग इज कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ऑल्सो यू हैव सफिशेंट टाइम टाइम भी आपके पास सफिट है वाई एम सेंगे टाइम है क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट फेज वन सन पेपर वन में यू आर नॉट सपोज टू फोकस टू मच क्योंकि वहां सिर्फ मार्क्स ही आपको स्कोर करने हैं तो वहां प्रिपरेशन आप आराम से बहुत कम टाइम में भी कर लेंगे राइट दिस इज नॉट लाइक द आरबीआई ग्रेड भी जहां पर सेक्शनल कट ऑफ भी होगा जहां पर मिनिमम कट ऑफ वेरी करेगा यहां पे सब चीजें अलग है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है पेपर वन के लिए और फिक्स कट ऑफ है थर्टी मार्क्स यू जस्ट हैव टू स्कोर इन पेपर वन फेज वन दैट्स इट तो थर्टी मार्क्स आई थिंक अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें तो यू Guys, हाँ ठीक है तो आ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था राइट right? सो so, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तो जो फोकस आपको रखना है दैट फोकस शुड बी ऑन द पेपर टू तो पेपर टू ऑफ फेज वन एंड पेपर टू ऑफ फेज टू दोनों सेम ही है सिलेबस वाइज भी दोनों सेम है और पैटर्न सब कुछ सेम exactly है सो so, आपको जो फोकस रखना है वो रखना है पेपर टू पर

एग्जामेशन इज की यहाँ पे सिलेबस जो है वो वेल well डिफाइंड है एकदम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है सिलेबस को एंड ऑल्सो यहाँ पे

रिपीटिंग इट अगेन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी तो जो लोग यहां पर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो लोग प्रिपेयर करिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां पर रो, रोमेरो बोल रहे हैं कैन पीपीएल हिंदी अंडरस्टूड द कोर्स फुली आई विल लेट यू नो राइट न पृथ्वी सिंह सर हाउ विल यू कवर न्यूमेरिकल्स आई विल टेल यू इच एंड एवरीथिंग ठीक है सो द थिंग इज की द मेन एजेंडा ऑफ दिस सेट यू नो कि हम हमने एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया था कुछ दिन पहले जिसकी लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है दैट इज ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से स्टार्ट हो रही है टाइमिंग विल बी सिक्स थर्टी टू एट थर्टी हमने पेपर टू से ही क्लासेज स्टार्ट किया है तो आज से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो पेपर टू से ही होंगे रीजन बींग क्योंकि पेपर टू का ही वेटेज जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन पेपर टू तो आपको जो प्रोबेबिलिटी है मेंस क्लियर करके इंटरव्यू जाने की वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि पेपर वन अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है आई एम टॉकिंग अबाउट फेस टू राइट तो पेपर वन, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वन थर्ड वेटेज है इंपॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं है कि उस पर अगर आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया आपका थोड़ा सा खराब हो गया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसा नहीं है अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पेपर टू में तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली आपका जो है कवर हो जाएगा पेपर वन तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सो द थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन द पेपर टू एंड दैट इज वाई वी आर स्टार्टिंग द क्लासेज फ्रॉम पेपर टू ऑनवर्ड्स तो अब हम आपको क्या प्रोवाइड करें दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सो हेर इज द कोर्स गाइज सी बी ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फेज वन एंड टू लाइव क्रैश कोर्स ठीक है लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे हमने हम आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे सो यू कैन सी यहाँ पे फोर्टीन कॉम्पोनेंट्स आपको मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स ठीक है जी तो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स आपको 14 कंपोनेंट्स मिलेंगे व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज अ पार्ट ऑफ पेपर वन फेज वन देन यू विल गेट रीजनिंग एबिलिटी देन इंग्लिश देन जी तो ये पेपर वन फेज वन के कॉम्पोनेट्स हो गए देन इफ आई टॉक अबाउट द पेपर टू कॉम्पोनेंट विच इज सेम फॉर बोथ फेज वन एज वेल एज फेज टू तो वहां पे क्या मिलेगा आपको वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉस्टिंग मिलेगी आपको इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंपनी लॉ यही कंपोनेंट है आपकी पेपर टू के देन पेपर वन ऑफ फेज टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइट देन उसके बाद यू विल गेट द लाइव क्लासेस फॉर फेज वन एज वेल एज द लाइव क्लासेस फॉर फेज टू यहाँ पे दोनों की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी एंड देन

नीचे जाकर आप देखेंगे यहां पे यू विल सी द से ग्रेड ए लाइव क्रैश कोर्स ठीक है यहां पे लाइव क्रैश कोर्स है दिस इज द लाइव क्रैश कोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट आपको यहां पे सिंपली ब्रॉशर डाउनलोड करना है यहां पे यू कैन सी द ब्रॉशर यहां पे क्लिक करेंगे इस ब्रॉशर में यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन राइट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि uh, आपको क्या क्या डिलीवर मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के यू विल गेट द कंसेप्ट क्लासेस आल्सो यू विल गेट द समरी शीट्स यू विल गेट द करंट अफेयर्स मैगजीन ठीक है अगर हम बात करें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कि आपको इंडिविजुअल कॉम्पोनेंस में क्या क्या चीजें मिलेंगी सो हेर यू कैन सी कि आप यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश तो वहां पे वॉट यू विल गेट यू विल गेट द लाइव प्रैक्टिस क्लासेस ठीक है, द चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे हर चैप्टर के लिए अलग-अलग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विदेक्टू रीजनिंग एंड इंग्लिश ठीक है देन इफ आई टॉक लिए यू विल गेट द लाइव प्रैक्टिस क्लासेस अगेन करंट एप मैगजीन रहेगी बैंकिंग अवेयरनेस की मैगजीन रहेगी यू विल गेट द लेटेस्ट यूनियन बजट एंड एंड लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी प्लस इसके साथ आपको सारे क्विज भी मिलेंगे जो एमसीक्यूज एसोसिएटेड एमसीक्यूज होंगे दैट विल आल्सो गेट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स देन इफ आई टॉक अबाउट द पेपर टू कॉम्पोनेंट राइट पेपर टू में यू नो वेरी वेल सिक्स आर देर सो पेपर टू में वॉट यू विल गेट यू विल गेट द लाइव प्रैक्टिस क्लासेस ठीक है सारे सब्जेक्ट्स के लिए यू विल गेट द लाइव प्रैक्टिस क्लासेस देन यू विल गेट द समरी शीट सॉल्व प्रीवियस आपने अपना बेस्ट दिया तो आप क्लियर भी कर लेंगे इस एग्जाम को देन फर्दर इफ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के केस में विल गेट द कंसेप्ट क्लासेज एंड ऑल्सो द लाइव क्लासेस तो यहां पे कंसेप्ट क्लासेस भी मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एंड ऑल्सो यू विल गेट द लाइव क्लासेज राइट देन यू विल गेट द मॉडल क्यू एंड ए

कि यहां पे किस तरीके से क्लासेस होंगी राइट तो ये यहाँ पे यू कैन सी द लाइव शेड्यूल एज वेल इज क्लासेसो प्रोवाइड इन साइड में भी है एंड यू कैन सी ऑन वेबसाइट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लाइव क्लासेस शेड्यूल सो यू कैन सी द शेड्यूल ऑफ लाइव क्लासेस वेयर वी आर प्रोवाइडिंग सेवेंटी फाइव क्लासेस बिफोर फेज वन तो अभी फेज वन से पहले हम आपको सेवेंटी फाइव क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे फेज वन का और पेपर टू का सारा का सारा कॉम्पोनेंट हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे राइट right? तो हेर यू कैन सी बेसिकली यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो आज से हो रही है रीजन आई टोल्ड यू की वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देपर टू बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्पोनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर आपने अगर पेपर वन में थोड़ा थो सा कम भी अच्छा परफॉर्म किया देन ऑल्सो दिस विल हेल्प टू क्लियर दरऑल कट ऑफ राइट सो इसलिए हम यहां पर पेपर टू पर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी हम पेपर टू से क्लास यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सो यू कैन सी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से क्लासेस विल स्टार्ट और यहां पे टॉपिक भी मेंशन है ठीक है यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन है कि हम किस दिन कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये टॉपिक देखने हैं और आपको एडवांस में पढ़कर आना है इसे ठीक है ताकि आप लाइव क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी कर पाए और जो भी आपके डाउट्स है उनको आप अच्छे तरीके से फैकल्टी से रिजोल्व भी करवा पाए राइट तो टॉपिक देने का पर्पज यही है कि आपको ये पता रहे कि हम क्या कवर करने वाले हैं और उसको आपको एडवांस में ही एक दिन पहले पढ़ लेना है ताकि आप लाइव क्लासेस में उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके गाइज आई विल टेकिंग ऑल योर क्वेरीज डो नॉट वरी ठीक है पहले हम डिस्कस करते हैं फिर आई

थ अप्रैल को आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएंगी, देन उसके बाद मैनेजमेंट विल स्टार्ट ठीक है फ्रॉम सिक्सटीन अप्रैल ऑनवर्ड्स मैनेजमेंट यहां पे स्टार्ट होगा एंड देन उसके बाद यहां पे मैनेजमेंट चल रहा है then साथ में यहां पे ट्वेंटी अप्रैल से वी विल बी स्टार्टिंग द ज वेल तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से तो यहाँ पे फिर आपकी पैरल क्लासेस चलेंगे जब आपकी पेपर वन की क्लासेस होंगी द टाइमिंग विल बी सेवन थर्टी ए एम टू नाइन थर्टी ए एम फॉर पेपर वन कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश एंड जनरल अवेरनेस के लिए टाइमिंग विल बी सेवन थर्टी ए एम टू नाइन थर्ट ए एम इफ आई टॉक अब पेपर टू तो वो हमारा एज यूजल जैसा हमने बताया कि सिक्स थर्टी से एट थर्टी पी एम वाला जो स्लॉट है उसमें चलेगा तो जब ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल से आपके पेपर वन एंड पेपर टू दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तब टाइमिंग आपकी एक मॉर्निंग में रहेगा पेपर वन एंड पेपर टू विल इन द इवनिंग और अभी जो है अभी ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल तक अभी जो टाइमिंग है वो एक ही स्लॉट रहेगा सिक्स थर्टी टू एट थर्टी पी एम जहां पर पेपर टू कॉम्पोनेट्स राइट तो इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ है कॉस्टिंग है रीजनिंग है क्वॉट है इंग्लिश है सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है उसके बाद फाइनेंस आपका स्टार्ट होगा राइट right? देन उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनेंस के बाद कंपनी लॉ स्टार्ट होगा आपका एंड दिस क्लास विल एंड ऑन

डीज क्लासेस इन क्लासेस में क्या होगा बेसिकली हम चीजें जो सारी इंपॉर्टेंट है जो सारी रेलिवेंट है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम कवर कराएंगे यहां पे बहुत अच्छे तरीके से कवर कराएंगे और जिनका ऐसा है कि जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है ठीक है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी है जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं भी है जिन्होंने सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े हैं वो भी यहां पे इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं क्योंकि हम चीजें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मन में ये चीजें नहीं कि हम जो जो स्टूडेंट पे अटेंड कर रहा है बेसिकली उसको सारा कुछ पता है हमारा जो माइंड है हम इस माइंड से हमारे जो टीचर है, हैं जो एजुकेटर है वो पढ़ाएंगे आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी माइंड के साथ हमारी क्लासेस प्रोसीड करेंगे राइट तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है आपने सब्जेक्ट्स पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है आप स्टिल इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं और लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन बना सकते हैं ठीक है दिस इज द शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू द लाइव क्लासेस दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड सो आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी है तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चीजें हम पे कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा कवर करते हुए सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे एंड विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट विच टॉपिक्स आर लेस इंपॉर्टेंट हाउ टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइव क्लासेस अब अगर लाइव क्लासेस में आपको डाउट

आप सीरियस हैं इफ यूर एस्पिरेंट फॉर से बी ग्रेड एग्जामिनेशन अगर आप सेबी का पार्ट बनना चाहते हैं एज अ अ ग्रेड ए ऑफिसर गाइस दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास कोई अपना प्लान नहीं है आप यहाँ पर डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं आपको लग रहा है कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है और लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है गाइस सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द सोर्स दैट यू कैन रेफर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन ठीक है नाउ द थिंग इज हाउ यू कैन गेट द कोर्स सो सेम दैट आई टोल्ड यू लिटिल और कि की यहाँ पे आपको क्या करना है हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है जनरल कोर्सेज राइट और उसके बाद यहाँ पे यू कैन गो टू सेबी ग्रेड ए लाइव क्रैश कोर्स और यहाँ पे गाइज वी आर रनिंग फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ जो लोग यहाँ पे इस कोर्स का पार्ट बन रहे हैं इसको एनरोल करना चाह रहे हैं सो वी आर प्रोवाइडिंग फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ दैट यू हैव टू यूज कोड से फिफ्टी फाइव उसके लिए CB55 का आपको यूज करना होगा, जिसके बाद आप आराम से यहाँ पे फिफ्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट लेकर इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड विद द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इंड टाइमिंग विस थर्टी टू एट थर्टी पी एम ठीक है डिटेल शेड्यूल आप देख लीजिएगा ब्रॉशर में भी है और आपके कोर्स का पार्ट भी है जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं और यहां पर आप सिंपली कोर्स में यहाँ पे जाकर वेबसाइट में ब्रॉशर डाउनलोड करके यहाँ पर भी सारे डिलीवरेबल दट वी आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विदेड्यूल ऑफ लाइव क्लासेस यू कैन सी हेयर इन द ब्रॉशर इट सेल्फ ठीक है जी चलिए लेट्स सी द क्वेरी गाइ सो जो भी आपकी क्वेरीज यू कैन आस्म हेयर इन फ्रंट ऑफ यू सो आपकी जो भी क्वेरीज है आई एल रिजोल्विंग दैट

इस तरीके से कि आपको एग्जाम में उसको इजीली सॉल्व करते बने राइट तो वही मैंने आपसे बोला कि जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है जैसे क्वेश्चन आए हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इन क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको सोचने की जरूरत नहीं है वो हमारा हेड है कि हमें किस तरीके से इन चीजों को कवर करना है आपका बस फोकस रखना है पढ़ाई पर वट एवर वी आर टीचिंग आपको बस उसे उसे पढ़ना है उसे है रिवाइज करना द वी आर प्रोवाइडिंग आपको उसे पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है क्विज देना है आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पर रखना है इंप्लीमेंटेशन पर रखना है ठीक है उसको किस तरीके से प्लान करना है किस तरीके से चीजें कवर करना है वो सारा हमारा पार्ट है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे डू नॉट वरी अबाउट दैट सिंह सर विल यू टेक क्लास ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो यस शेड्यूल में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हैं ठीक है तो यहाँ पे कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश और जीए की भी क्लासेस है तो यहां पे करंट अफेयर्स भी पार्ट है इन लाइव क्लासेस का पृथुल सिंह सर प्लीज कवर इन डेप्थ एंड टफ लेवल न्यूमरिक्स पृथुल जो भी इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट है राइट अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं सीए के लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं बट दैट इज नॉट रेलेवेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन अभी हमारा फोकस क्या है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ठीक है अभी हमारा फोकस बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड नहीं कि मुझे सारे नॉलेज चाहिए वो आप आराम से एक बार बी ग्रेड ऑफिसर बन जाइए ऑफिस में बैठ के आराम से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं पीएचडी भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवर फोकस इज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड टू हेल्प यू टू बिकम सेबी ग्रेड ए ऑफिसर तो उसको उस उस चीज को अचीव करने के लिए उस गोल को अचीव

काजल सिंग सर हु ऑलरेडी हैज़ है एडुट सब्सक्रिप्शन दे हैव टू पे अगेन फॉर कोर्स नो काजल सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगर आपके पास गोल्ड कोर्स है या सिल्वर कोर्स है तो आपको पास एक्सेस मिलेगा डू नॉट वरी अबाउट टू इज द डेली टारगेट इन मेंशन है तो वो टॉपिक आपको अपने लेवल पे कवर कर आना है ताकि आप नेक्स्ट डे जब उस चीज की उस की जब क्लास होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पार्टिसिपेट कर सके समझ सके और अपनी जो भी क्वेरीज उसको रिजोल्व करवा सके राइट सो हैव मेंशन इन द शेड्यूल सेल्फ करण सिंह आई हैव से बी ग्रेड ए कोर्स बाय एक्स्ट्रा कोर्स और इट इज हाँ अगर आपके पास से बी ग्रेड ए गोल्ड या सिल्वर पैक है तो फिर आपको ये क्लासेस मिलेंगी उसके लिए आपको अलग से बाय नहीं करना है राइट right, गाइज और किसी की कोई भी क्वेरीज तो प्लीज यहाँ पे पूछ लीजिए आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू सो आई एल एड्रेसिंग ऑल यर क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस

किस जोन में है ठीक है आपका क्या लेवल है आपके पास कितना टाइम है आप कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं ठीक है आप कितने सिंसियर हैं कितना आपका पोटेंशियल है चीजों को कैच करने का कर, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसमें राइट तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा बट वी विल डेफिनेटली गाइड यू कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है ठीक है आप इस सब्जेक्ट को लिमिटेड वे में किस तरीके से पढ़ के कवर कर सकते हैं दैट वी विल हेल्प बट पर्सनलाइज यहाँ पे स्टडी प्लान प्रोवाइड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ड्यू टू सब्जेक्टिविटी राइट आई होप यू अंडरस्टैंड और किसी कोई भी डाउट से गाइस काइंडली आस्क तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे क्योंकि नोटिफिकेशन दो रूमर्स थे कि नोटिफिकेशन आएगा और अचानक से एडवांस इंटीमेशन आ गया तो एक एडवांटेज है एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको एक महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था जब एडवांस इंटीमेशन आ गया था वरना जनरली ऐसा होता नहीं है सीधा नोटिफिकेशन आ जाता हो फिर आपका एक महीने बाद एग्जाम होते हैं बट यहाँ पर यू विल हैव द टाइम तो उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए एंड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए अगर आप लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं देन कंटिन्यू दैट अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है मेंटोरशिप की गाइडेंस की चीजों को जल्दी कवर करने के लिमिटेड टाइम में तो लाइव क्लासेस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू uh, प्रसाद सिंह ठीक है पृथ्वी सिंह विल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव गेट चेकड बाई टीचर ये डेफिनेटली जो भी यहाँ पे जो आपके फुल लेंथ मॉक्स में जो इंग्लिश वाले जो टेस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के वो इवेलुएट किए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट विल भी इवेलुएटेड ठीक है उसके लिए डू नॉट वरी अबाउट दैट डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल बी एवेल्यूएटेड प्रसादी सिंह हाउ कैन आई डाउनलोड कंसेप्ट कंसेप्ट नोट्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग समरी शीट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स राइट तो समरी शीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम यहाँ पर बेसिकली आपको कंसेप्ट नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप डाउनलोड कर, तो to कर सकते हैं दैट इज डाउनलोडेबल तो वो आपके कोर्स में ही वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वैन यू हैव द कोर्स यू कैन इजली गो टू द टॉपिक यू कैन सी द समरी शीट वाला सेक्शन वहाँ पर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सिंह इफ पैटर्न चेंजेस लाइक डिस्क्रिप्टिव एडेड हाउ विल यू बी प्रोसीड डो नॉट वरी जब भी पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा तो हम उसके लिए चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे उस पैटर्न में जिस पैटर्न में वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इस एग्जामिनेशन की राइट तो अभी जो हमारे पास अपडेटेड पैटर्न है वो यही ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आया था अब अगर कुछ पैटर्न चेंज होता है सो वी आर हेयर डो नॉट वरी अबाउट दैट वील प्रोवाइड कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर दटर्न एंड डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन स्काई सिंह पी एच डी हूं सर क्या इसका बेनिफिट मिलेगा मुझे बेनिफिट किस चीज में मिलेगा आपको बेनिफिट बेसिकली आपको एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा राइट right? जो आपको प्री देना है आपको मेंस देना वो तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा इंटरव्यू में सारे ही कैंडिडेट्स इक्विवेलेंट होते हैं ऐसा किसी को एडवांटेज नहीं होता क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास वो है और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सारे ही स्टूडेंट्स एट अ पार रहते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा द थिंग इज कि आपकी पर्सनलिटी सेबी के हिसाब से सूट होनी चाहिए ये पैनल मेंबर को लगता है तो फिर आपके जो चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं ठीक है देन प्रसाद इज सेइंग व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर इन दिस शॉर्ट पीरियड टू रोड टू रीड कंसेप्ट और वाचिंग वीडियोस एज आई ऑलरेडी सब्सक्राइब फॉर राइट right? तो पर बेसिकली इफ यू हैव वॉच द वीडियोस अगर आपने पहले वीडियोस देख लिए हैं क्योंकि वीडियोस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप हमारे गोल्ड कोर्स का पार्ट है तो वहां पर चीजें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की गई हैं ताकि आपको फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके तो अगर आपने पहले वीडियो देख ली थी तो अभी आपका फोकस होना चाहिए आप नोट्स पढ़िए और क्विज अटम्प करिए अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी थी जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला कोर्स है हमारा तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रसाद आप यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कॉमर्स हो गया कॉस्टिंग हो गया इकोनॉमिक्स हो गया तो थोड़ा सा टेक्निकल है राइट तो अगर आपने पहले नहीं पढ़े थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये लाइव क्लासेज अटेंड कर लीजिए अब वाला कोर्स उन कोर्स के प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मत देखिए क्योंकि बहुत टाइम टाइम लग जाएगा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस राइट तो लिमिटेड टाइम में इसको इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि समरी शीट तो आपको पढ़ना है कुछ भी आपको देने हैं आप साथ में लाइव क्लासेज अटेंड कर लीजिए एंड गाइज दो आर अ वर्किंग कैंडिडेट ठीक है जो लाइव क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते हैं डो नॉट वरी वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी तो अगर आपके आपको ड्यू टू सम अरजेंसी ड्यू टू समीनीस है इफ यू आर नॉट पॉसिबल इफ इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड द लाइव क्लासेज देन इन दैट केस डू नॉट वरी यू विल गेट द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दो लाइव क्लासेस तो आप अपने हिसाब से जब आपको टाइम लगे आप उसको देख सकते हैं एनी थिंग एल्स गाइज आपकी कोई और भी डाउट हो तो प्लीज आस्क आप यहाँ पे पूछ सकते हैं करानी सिंह सर आई है बंडल कोर्स ऑफ से बी एन पी एस अगर आपके पास बंडल कोर्स है से बी एन पी एस वाला एंड तो फिर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट right? अगर आपको एनपीएस वाला बंडल वाला जो कोर्स है लाइव क्लासेस मिलेंगी विजय सिंह सर फॉर सीबी जनरल अवेयरनेस करंट टैप मैगजीन विल बी इन बेसिकली क्या है ना यहां पे इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझिए यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मोस्टली कहां पूछा जाता है फेज वन पेपर वन में और फेज वन पेपर वन में कितने मार्क्स आपको लाने हैं थर्टी मार्क्स वो थर्टी मार्क्स चाहे आप रीजनिंग और इंग्लिश करके ले आए वो तो थर्टी मार्क्स चाहे आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स करके ले वो आपकी मर्जी है क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कटॉफ क्राइटेरिया नहीं है अभी तक ठीक है और यहाँ पे फिक्स का टॉपिक है कि थर्टी मार्क्स लेकर आने हैं तो करंट एप मैगजीन आप किसी तरीके से हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फोकस क्या रखना है कि आप कुछ मार्क्स करंट अफेयर से ले लें मोस्टली इंग्लिश पर फोकस करिए कॉन्ट और रीजनिंग से कुछ कुछ लेकर आपको बस क्लब करके थर्टी मार्क्स लेकर आने में बस ठीक है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि मैं करंट अफेयर्स एक साल का पढ़ लूंगा पिछले चार पांच महीने के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे लिमिटेड करंट अफेयर्स पढ़िए कि आपको वहां में 20 क्वेश्चंस में से आप आराम से 12-13 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं तो बस हो गया उतनी ही रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स की उसके बाद रिमेनिंग पार्ट यू कैन स्कोर फ्रॉम इंग्लिश पार्ट इंग्लिश काफ़ी इजी रहती है अभी तक का ट्रेंड देखें सेबी में तो तो इंग्लिश में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं 25 में से अगर आपने एट्टी 19 मार्क्स भी स्कोर कर लिया 10, 11 मार्क्स आपने करंट अफेयर से स्कोर कर लिया 30 मार्क्स आपके यहीं हो गए राइट देन आपको कॉन्ट और रीजनिंग में से आपके लिए बोनस है वहां पे कुछ मार्क्स आपने अटेम्प्ट कर लिए तो वो मार्क्स आपका बढ़कर थर्टी फाइव भी पहुंच सकता है सो so, इस एग्जामिनेशन की ब्यूटी यही कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना जिनका कॉन्ट वीक है जिनका रीजनिंग वीक है जिनको करंट अफेयर्स याद नहीं होते फैक्ट्स नहीं याद होते उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है ये क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है भी नहीं तो जो आपके वीक एरियाज हैं पेपर वन के रिगार्ड उनको वीक ही रहने दीजिए बस थोड़ा सा फोकस इस तरीके से करिए सो दैट यू कैन इजिली स्कोर थर्टी मार्क्स बहुत ज्यादा उनपे फोकस नहीं करना आपको फोकस रखना है पेपर टू पे ठीक है सिंहट इज बेस्ट वे टू कवर सिलेबस बाई रीडिंग अगर आपने द सेम थिंग आम रिपीटिंग अगेन प्रसाद की अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी थी गोल्ड का जो पार्ट था रिकॉर्डेड वीडियो जो आपने पहले नहीं देखी थी सो डो नॉट वरी आप अभी क्या करिए अभी आप लाइव क्लासेस देख लीजिए और साथ में जो समरीशीट प्रोवाइड की आप वो कवर कर लीजिए ठीक है क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको चीजें कवर भी करना है चीजों को रिवाइज भी करना है सो दिस बेस्ट वे जहां पे आप नोट्स के फॉर्म में शीट भी पढ़ रहे हैं और आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं जहां पे सारे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करवा दिए जाएंगे ठीक है तो ये बेस्ट वे है अभी आपके लिए एनीथिंग एल्स फ्रेंड आपके कोई और भी डाउट है तो तो आई थिंक सारे डाउट्स रिजॉल्व हो चुके हैं बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट डॉप अपेल एट हेलो एट द रेट एडू टाइप डॉट कॉ डॉट इन तो आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व जाएंगे बट फ्रेंड्स बहुत अच्छी ऑर्चुनिटी विथ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो वहां से इसको अवेल करिए आपने पहले प्रिपरेशन नहीं की है या आप सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ प्रिपरेशन में तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमारे साइड से हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस और 75 फाइव लाइव क्लासेज विल बी प्रोवाइडेड बिफोर फेज़ वन ठीक है वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट चीज़ें कवर करा दी जाएंगी सो तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं रेगुलरली कंसिस्टेंसी भी आपकी बनी रहेगी इसी बहाने आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी वरना क्या क्या होता है जनरली पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है कभी गैप हो जाता है फिर तीन चार दिन तक हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएंगी वो चीज़ें आप उनसे दूर हटके आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि जब आपकी क्लास डेली होगी तो आपके पास बहाना नहीं होगा ठीक है आपको क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट सो दिस इज ऑल कंसप्चुअल विद रिस्पेक्ट टू द दीबी ग्रेड ए लाइव क्रैश कोर्स प्रसाद की एक और क्वेरी हाउ इज द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ सीबी कॉम्पिटेंसी लेवल मतलब यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है कम्पेटिवली दूसरे एग्जाम की में कम है बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है अगर हम बात करें आरबीआई की अगर हम बात करें सिविल्स की यूपीएससी की तो यहाँ पे कंपेरेटिवली

सिक्सटी टू सीट्स सीट्स यहाँ पे नोटिफाई की हैं सेबी ने तो आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू तो आप उसके लिए फोकस रखिए कंपटीशन भूल जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जो सीरियस एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं राइट तो आपका जो कॉम्पिटिशन वो भीड़ से नहीं है आपका कॉम्पिटिशन सीरियस एक्सपीरियंस के साथ है तो अगर आप भी सीरियस हैं तो फिर आप उस रेस में लग जाइए और बाकी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए करानी सिंह सर आ, ज इट वी हैव इनफ टाइम टू क्लियर से बी एज आई एम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड न्यू टू सेव टू डेडिकेट डेली देखिए करण अभी क्या नोटिफिकेशन भी आ चुका है राइट एडवांस इंटीमेशन के फॉर्म में आपके पास आपको पता 62 है इन्फॉर्मेशन सिक्सटी टू वैकेंसीज हैं, एग्जामिनेशन जो है वो मे के मंथ में हो सकता है तो अभी आपके पास मोटा मोटा आइडिया तो तो था देंगे आपको अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कितना टाइम लगाना है यहाँ पर आपको यह सोचना चाहिए कि जितना टाइम भी आप लगा पा रहे हैं ठीक है अपना रेस्ट का टाइम हटा दीजिए अगर आप वॉकिंग है तो अपना वो टाइम हटा कर जो भी टाइम बच रहा है पढ़ाई में लगाइए क्योंकि अब ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि एग्जाम कब होगा अब आपको पता है कि एग्जाम होने वाला है ठीक है दो महीने में एग्जाम हो जाएगा आपको वो चीज़ क्लैरिटी है तो यहाँ पर टाइम के बारे में मत सोचिए यहाँ पर जितना टाइम आप लगा सकते हो उतना टाइम लगाइए एंड द थिंग इसकी टाइम है आपके पास अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आपके पास टाइम है क्योंकि आई टोल्ड इन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन की आपको जो मोस्टली जो फोकस रखना है वो पेपर टू पर रखना है बाकी कंपोनेंट आप प्रिपेयर कर लेंगे बहुत कम टाइम में लेकिन जो मोस्टली आपको प्रिपेयर करना है पेपर टू पर आपको फोकस रखना है सिक्स सब्जेक्ट्स दैट आई टोल्ड यू उन सिक्स सब्जेक्ट्स पर आपको इनिशियली फोकस रखना है तो इसीलिए लाइव क्लासेस विल हेल्प यू तो अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू या किसी और आ, वीडियो के थ्रू अगर आप यहां पे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि टाइम है अभी आपके पास ठीक है पेपर टू अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए प्रशादी सिंह देयर इज नो सिक्सटी क्राइटेरिया फॉर से राइट एज आई एम इंजीनियर तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेंज हो सकता है प्रसाद तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लीजिए वैसे तो बीटेक है यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है आई एम नॉट वेरी श्योर बट आप नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा तो वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको देन धवल इज सिंग सर विल आ पीजी मास्टर्स डिग्री रिसीव थ्रू डिस्टेंस लर्निंग भी कंसिडर्ड वैलिड एलिजीबल फॉर सेवी एग्जामिनेशन हाँ जी इट इज एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट इज रिकग्नाइज बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ठीक है अगर वो यूजीसी से रिकग्नाइज है देन यू आर एलिजील टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन डू नॉट वरी अबाउट दैट अगर ऐसी डिग्रीज को अगर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर ऐसी डिग्री करने का मतलब ही नहीं होगा राइट तो इसीलिए सब डिस्टेंस लर्निंग वाले भी है एलिजिबल हैं आप उसके थ्रू भी प्रोवाइडेड वो जहां से भी आपने लिए जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए वो यूजीसी से रिकोगनाइज होनी चाहिए बस ये कंडीशन है एनीथिंग एल्स गाइज आपकी कोई और भी क्वेरी है प्लीज पूछिए सो आई थिंक ऑल बीन है राइट so ठीक है गाइस सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन आई एम रिपीटिंग की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 55 परसेंट ऑफ उसके लिए आपको से बी का कोड यूज करना होगा उसके थ्रू आप यहाँ हमारे वेबसाइट से कोर्स परचेज कर सकते हैं सिंपली यहाँ वेबसाइट में विजिट करके यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ एंड यू कैन यूज द कोड से फिफ्टी फाइव थ्रू विच यू कैन गेट द फ्लैट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ एंड टूडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सिक्स थर्टी टू एट थर्टी पी एम उसको अटेंड जरूर करिए और वहां पे अपना नॉलेज जो है उसको एनरिच करिए और वहां से अपने कंपटीशन की तैयारी करिए ओमकार सिंह लाइव क्रैश कोर्स से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या डेफिनेटली ओमकार क्यों नहीं कर सकते ठीक है इसीलिए हम इन कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं ताकि जो लोग अभी प्रिपेयर नहीं है जो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोर्स हो जिसके थ्रू लिमिटेड टाइम में सिलेबस प्रिपेयर कर लें तो यही एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स के थ्रू कर सकते हैं देखिए दो अप्रोच होती है एक अप्रोच ये कि मुझे प्रिपेयर ही नहीं करना मेरे पास टाइम नहीं मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा एक तो यह, एक तो यह अप्रोच हो गई सेकेंड अप्रोच है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है अब मेरा काम क्या है मेरा काम है अपना बेस्ट देना राइट right? ये सेकंड अप्रोच है अब वो आपकी मर्जी आप कौन से अप्रोच को चूज करते हैं सो द सेकंड अप्रोच इज बेस्ट कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आप अपना बेस्ट दीजिए ठीक है आप अपना बेस्ट दीजिए एंड दिस इज द बेस्ट यही वो मौका है जब आपको अपना बेस्ट देना है बाकी क्या होगा वो चीजें छोड़ दीजिए आप अपना बेस्ट दीजिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ओके गाइज सो थैंक यू वेरी मच आई एम क्लोजिंग दिस सेशन हैव अ गुड डे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट एंड गाइज इफ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस क्लासेस यू कैन हैव द कोर्स और सारी चीजें अच्छे से कवर की जाएंगी और वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस राइट चलिए ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ गुड डे गाइज